मजे आ रहे पार्टनर हैप्पी हंड्रेड फाइनली अ सेंचुरी फ्रॉम आज जब हमने शुरू किया था तो लोगों ने बड़ा कहा था कि देखेंगे पांचवी एपिसोड भी, भी होगी बड़ी बात है फिर हमने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड ठीक है एंड नाउ द हंड्रेड एपिसोड कैसा महसूस कर रहे हैं अली असल में बस पता नहीं कैसे हो जाता है बस मैं खुद नहीं करता बस हो जाता है <laughs> हाँ मतलब मुझे भी मुझे शुरू में मुझे लगता था कि शायद माइट नॉट बी एबल टू पुट अप विद हिम लेकिन सम हाउ इट हैपेंड एंड आई होप कि आपकी भी जर्नी हमारे साथ अच्छी गुजरी होगी और इमरान साहब रिजवान और पुजारा ने पार्टनरशिप लगाई थी ना वो सही यार मुझे पुजारा बड़ा पसंद है फिर वो, वो, वो वाली कंसिस्टेंसी हमने भी दिखाई है शो को जो है ना कामयाब करने के लिए जितना भी कामयाब हुए होयानी वे anyway, अच्छा तो आज तो हम खबरें लिखते लिखते ही थक गए पता नहीं शो कैसे होगा इतनी खबरें अच्छा खैर हाँ। खबरों से पहले जो है ना मेन मुद्दा के वो तासुरत का इजहार किया गया ओवरसीज पाकिस्तानी इसके वोटिंग राइट्स पे <laughs> लगी हुई है सारे उस पर बहुत गालियां निकाली माहों को और जिसमें मुझे कोई इतराज नहीं और भी निकाले हाँ। लेकिन उसमें यह कि हम जरा वो तो एक एक चीज़ होती है अजरत तफन्न और एक होता है कि मतलब उसके ऊपर हमारा जो है वो नजरिया क्या है तो वो नजरिया तो हमारा उस पर यह है कि प्रिंसिपली तो हम डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स के वोटिंग राइट के अगेंस्ट नहीं है उसकी वजह ये है कि मतलब अगर पाकिस्तान की रियासत को कोई मसला नहीं है अगर वो डल नेशनलिटी से और एक बंदे के पास आईडी कार्ड है पाकिस्तान का तो उसको इजाज़त है वोट डालने की वो शौक़ से डाले और वो डाल भी सकता है पाकिस्तान आके इलेक्शन में वोट डाल दे जहाँ तक बात होती है ना कि वहाँ से वोट भेजने की और यहाँ काउंट होने की वो भी वही वाली बात बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता भी है यहाँ भी होना चाहिए लेकिन उसके हम ख़िलाफ़ बिल्कुल हैं और वो नज़रियाती नहीं बल्कि इंतज़ामी मामले की वजह से हैं क्योंकि आपको पता है कि फिर वो किन के हाथ में एक और टूल आ जाता है रिगिंग का तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पर जब आ, आ, कीमत बढ़ाई गई थी आ, डेथ सर्टिफिकेट की तो हम उसके खिलाफ भी बोले थे उसकी वजह ये थी कि डेथ सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज़ है जो मुफ्त बनना चाहिए उसकी वजह ये है कि एक तो उसमें खुआारी है जाना आना ये वो सारा कुछ अगर आप पैसे भी रख देंगे तो सिवाय उनके जिनको कुछ ट्रांसफर होना है प्रॉपर्टी में वो तो चलो करवाएंगे अपनी पैसों की खातिर जिसका कुछ कोई मर गया है और उसके प्रॉपर्टी भी आगे नहीं जानी या बैंक बैलेंस भी आगे नहीं जाना वो क्यों तरद करेगा जाके बनवाने का डेथ सर्टिफिकेट और फिर वो लोग जो मर चुके होते हैं लेकिन उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता उनके भी आपको पता है इस मुल्क में वोट डाल जाते हैं तो ये बुनियादी तौर पे मसला है आके जरूर डालें वहां से जो डालने वाला प्रॉब्लम है वो अगर मतलब वही बात है ना वोट डालेंगे ना आपको इजाजत दी जाएगी ठीक है ना पहले आप पाकिस्तान में आके सेटल हो, फिर उसके बाद वोट डालिएगा नहीं दे सकते लेटर एक दफा जब हो जाएगा ना फिर नहीं कोई नहीं होगा फिर लेटर पर भी लिया करेंगे नहीं कोई नहीं <laughs> <laughs> उस पर वो भी बड़ा एतराज आता है ना कि हम फिर जो इतने बिलियन की जो भेजते हैं वो फिर भेजना बंद कर देखी <laughs> है वो जरा समझे उसकी वजह ऐसी जिस तरह आप में से है वो पेटरन है अच्छा मैं आपका कुत्ता <laughs> लेकिन अगर आप किसी और को कहेंगे ना कि फिर हम अली को पैसे देना बंद कर दें तो वो कहेगा आप बंद कर दो हा? अच्छा ये जो होती है ना सारी जो रेमिटेंस आती है रेमिटेंस का मामला वही है कि वैसे तो बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि हमारा वो जो है वो मतलब डॉलर एक्सचेंज बेहतर रहता है बट अदरवाइज आप पाकिस्तान को तो नहीं ज्यादातर लोग भेजते लोग तो अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं या लोग तो प्लॉट लेते हैं या लोग कोई कारोबार करते हैं हाँ। उसका वो प्रॉफिट फिर वही बात है बाहर ही ले जाते हैं या और मल्टीप्लाई करते हैं तो वही अच्छा इसमें ना ये ये बड़ी एक बुनियादी चीज़ होती है कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का होता है ना इसीलिए हम हमारा होता है कि बस हर वक्त पाकिस्तानी बाहर जाते जाए जाते जाए क्यों क्योंकि एक बंदा जो आज पाकिस्तान छोड़ के गया है ना अगर तो वो छड़ा था तो खुद तो वो सारी जिंदगी भेजता रहेगा यहाँ पे अपने माँ बाप को बहन भाइयों को पैसे शायद कुछ रिश्तेदारों को भी आगे जब बच्चे बुच्चे हैं उनका यहां से लेना देना कोई नहीं वो खत्म अच्छा अगर बंदा यहां से गया है जिसके बच्चे भी हैं तो उसके बच्चे भी आगे से भेजते रहते हैं लेकिन जब थर्ड जनरेशन होती है तो सारे टाइक्स कट हो जाते हैं फिर पैसे आना बंद हो जाते हैं तो ये जो एक है ना कि वो भो किस तरह से रहा और फिर जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है जो आप प्लॉट खरीदते हैं फिर वही बात है कि वो तो आप अपने लिए खरीदते हैं दूसरी ये कि उसमें एक तरफ जहां बाहर से पैसा आता है हमें को फायदा होता है दूसरी तरफ ये नुकसान भी होता है कि स्पेकुलेशन इतनी होती है बाहर से आए हुए पैसे की ऐसे पैसे की जिन्होंने घर पे रहना ही नहीं है वो प्लॉट इतने महंगे हो जाते हैं कि आम बंदा यहाँ पे वो प्लॉट ले ही नहीं सकता तो खैर ये एक बड़ा एक तफसीली, एक बड़ा घुमन कुमेरी है उसमें हाँ तो, लेकिन आपको एहसान नहीं कर हाँ, लेकिन नहीं आप, आप, आप मेरे पेटर्न बने मैं आपके राइट्स के लिए लड़ूंगा हाँ ये ये सारा काम जैसे जो तुम्हारे पेट्रेंट की रिक्वेस्ट पिछली एपिसोड में दिया वो वो उस रिएक्शन पर मुझे हंसी आ रही थी मैंने पोस्ट पे किया था कि देखिए उसकी हालत आप चेक करें तो अब आपको पेट्रेंट बनना चाहिए वो पाँच छह आ जाए आपने ये वाले क्या हो गया आप लोग उदास ही हो गया वैसे ना तुम्हारा था टूर जो है ना वो बहुत लेबर पड़ा है हाँ। बहुत महंगा पड़ा है हर लिहाज से महंगा पड़ा है कोई बात नहीं यार अब तो पड़ता है खैर खबरों की तरफ आ जाते हैं और खबरों में ये है कि डॉलर इंटरबैंक में जो है 193.23 पे पहुंचा हुआ है और मार्केट में इसमें वन नाइनटी है अरे 200 तक तो यह जाएगा हाँ। क्योंकि नाम वो भी उठे जाके बैठ गए इंग्लैंड वो वापस नहीं आ रहे हैं वही बैठे हुए मुलाकात का भी कोई सीन नहीं है ठीक है तो वही मसला है ना की अठारह तारीख को अल्लाह कर मीटिंग हो जाए उससे पहले ये जो कुछ करना चाहते हैं वो जो उनकी ख्वाहिश कर ये जो ये नारे है ना कि की अमरीका की गुलामी नहीं करेंगे ये नहीं करनी पड़ेगी मसला नहीं है मसला फिर वही है देखे एक तो ये अभी

मुर्गी जो है ना इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है हमजा शबाज़ साहब मैं बहुत दुखी हूँ मेरा दिल नु, नु, नु करके सर हर्ट हो रहा है ठीक है क्योंकि ब्रॉयलर जो मुर्गी है वो चार सौ रुपये तक चली गई है और आ, इसके साथ जो अचार है ना वो भी सौ रुपये महंगा हो गया है और मुर्गियों के बारे में ये टॉलेंटन मार्केट में कोई बाईस सौ किलो की मजीद ख़राब मुर्गी जो है वो तल्फ की गई है यार इसकी वजह से तो नहीं है डायरिया वायरिया फैला हुआ हशर हुआ है लाहौर में तो हाँ सब ये मसला फिर वही है कि मुर्गियाँ और ये सारा कुछ जो है ना ये बहुत ख़तरनाक काम है बस अपनी मुझे लगता है हमें हैबिट्स ही चेंज करनी पड़नी है वरना जितनी हमारी मीट की कंजम्पशन है उतना मीट पूरा करना सही वाला जो है ना

और एक से दो दफा अगर आपने गोश्त नहीं डाला तो बड़ा माइंड किया जाता है इस बात को कि हूं नए दिन आ ने साढ़े ते कि हाँ, गोश्त हाँ, नहीं मानता वही बात है अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मैंने काफी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा है पूरे हफ्ते में अगर आप सिर्फ एक बोटी भी खा लें तो आपका वो पूरा हो जाता है कोटा हाँ।, तो बहरहाल आप क्या कर सकते हैं अब जहाँ तक अचार की बात है ना अचार बड़ी एक जरूरी चीज है उसकी वजह ये अच्छा, है कि खाना बहुत बड़ा फैन है अच्छा? इसमें उसमें जो है ना आप खाली पराठा और अचारियंस हाँ, खाना है हुँ. दूसरा ये है कि सालन अच्छा ना हो हुँ. तो अचार लो पता ही नहीं लगता हाँ, जो भी मार कर रहे हाँ तीसरा ये की मैं यहाँ पे शाउट आउट देना चाहता हूँ और बिल्कुल ये पेड़ प्रमोशन नहीं है मुझे वाकई इतना ज्यादा पसंद है मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो बेस्ट अचार है ना वो है खट्टा मीठा पिकल्स ओके okay. वो आपको आ, इंस्टा पे मिल जाएगा उसका लिंक आप ऑर्डर भी कर सकते हैं मेरे ख्याल में उससे बेहतर अचार नहीं है खट्टा मीठा पिकल्स आई विल ट्राई ऑल्दो आई एम नॉट एन अचार फैन लेकिन मैं अपनी मां के लिए देखूंगी वहां पे क्या सीन है तो उनसे कहें ना स्पोंसर करें हमें मैं।, मैं उनको कहता हूं हां स्पोंसर करें स्पोंसर्स लेकर आया करें अच्छा सोलर जो है ना सोलर <laughs> मुझे मुझे ऐसा ऐसा लगने लगे कि एक अजाब ज़्यादा बन गया हुआ है पाकिस्तान जैसे बोल के अंदर सोलर लेकिन सोलर का ऐसा सीन ये है कि नेट मीटरिंग हुई है लोगों के बिल्स आए हैं और उसके अंदर पता ये चला है कि उतने यूनिट्स कंज्यूम नहीं हुए हुए थे जितने का वो बिल आया हुआ है लोग गए हैं उन्होंने जाके पूछा है कि एक ही सीन है तो अगले से आगे बंदों ने ये कहा है कि ना हमारे तो बंदे ही ट्रेंड नहीं है <laughs> उसके वो मीटर रीडिंग के लिए एंड एवरी तो अब अब जब तक हम हाँ वो ट्रेन नहीं होंगे तब तक जो है कुछ नहीं किया जा सकता इन्होंने एडजस्ट करना है कुछ किसी की यू you नो know? हाँ कोई रिकॉर्ड में कोई चीज आ गई हो गलती से क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है मीटर्स तो मेरे ख्याल में एक ना एक दिन उनको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा <laughs> लेकिन अभी नहीं <laughs> इससे पहले कि वो मीटर सड़ जाए <laughs> तो लेकिन अदरवाइज वाकई वही वाला मसला है कि मुझे तो एक और चीज लगती है कि इसको ना ट्रेन करना किसी को इतना मुश्किल काम नहीं हो सकता मतलब एक रीडिंग आ रही है एक बटन दबाना है दूसरी रीडिंग आ रही है uh -huh. आपने दोनों की तस्वीर तो खींच के ले आनी है इतना बड़ा रॉकेट हो है. नहीं सकती वो उनका मसला वही होता है उगाल आई एम अज्यूमिंग लेसको नेपरा चैपरा का कि यार किसी न पैसे वापस ना करने एडजस्ट huh. <laughs> <laughs> <What laughs> करो है ना मैं गलत माइक्रोवेव ले आई उसको मैं वापस देने गई मैंने कहा मुझे इसी कंपनी का चाहिए उसने कहा कि नहीं ये तो अब ईद के बाद ही आएगा अभी आप कोई और उठा के ले जाएं हम वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते कुछ है एडजस्टमेंट का मसला जिससे मुझे याद आया अली कि अब आ, आ, हो ये ये तीन चार दफ़ा मेरे साथ हो चुका है कि एयर लिफ्ट वाले जब डिलीवर करते हैं ना तो मैं अगर उनको कोई नोट पकड़ा रही हूँ इसके ऊपर हल्का सा भी कोई शेड सा लगा हुआ है ना और नंबर भी क्लियर है तो वो कहते हैं ये एक्सचेंज करके दें क्योंकि अब ये हल्का सा शेड भी लगा हुआ है ना पैसे के ऊपर तो वो कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा है में से तो हाँ। अगर, अगर अगर आप लोग भी इस चीज़ से गुजरे पहले तो ठीपों का मसला था ना अब ये मसला भी पड़ा हुआ कहते हैं कि हमें साफ़ नोट चाहिए वी को क्लीन अच्छा, next है है है। कितनी हो हो रही है आपकी तरफ? मेरी तरफ मेरी तो तबाही गए हैं और वो जो है ना मतलब वही तो जो, है, है। जो मियाँ साहिबान के पिछले दौर में था वो भी दोबारा होना शुरू हो गया कि हफ्ते में एक दिन तो मेंटेनेंस के लिए एक इलाका ऑफ कर देते हैं हाँ। तो ये बड़े रोले हैं तो ना अब लोड शेडिंग का ये मुझे वैसे ना मैं कहती हूँ चार घंटे इकट्ठे ले जाऊँ लेकिन ये जो टूँ करके देते हैं ना एकदम से कि थोड़ी देर के लिए आएगी और फिर साथ ही ले गए ये ना करें क्योंकि मैं तो अब एसी के पीछे से स्विच भी बंद करने शुरू कर दिए कि भाई कोई भी झटका जो है ना उससे एसी एक तो वैसे ही एसी नहीं चल रहे प्रॉपरली तो काफ़ी बुरे हालात हैं अच्छा मियाँ साहब की जो मीटिंग थी ना दैस uh, uh, कल जब डिटेल्स आनी शुरू हुई हैं इंग्लैंड से तो वहाँ मियाँ साहब ने उनसे ये कहा है और सिर्फ एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा उन्होंने ओथ लिया है अपनी कैबिनेट के uh, शबाज शरीफ की कैबिनेट से कि मैं नाल जड़ी गल की है ना तुसी लीक नहीं करनी कथे क्या कह रहे थे

वो ना खुद ही एसएमएस कर देते हैं कि मैं बैठा अंदर है गल हो रही है ठीक? और ये तो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की वो जो भी आगे का लाया मत है इधर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि खुफिया से खुफिया मीटिंगों में ये होता है अच्छा दूसरी चीज ये है कि इस दफा बहर हाल इन्होंने थोड़ा बहुत मैंने हिसाब लगाया है कि दोनों पार्टीज ने पी और पी ने थोड़ा सा अपने कार्ड्स अपने सीने के साथ लगा के खेलना कोशिश शुरू की है कि अब वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी था तो काफी देर तक इन्होंने सामने नहीं आने दिया कौन है कौन नहीं है क्या सीन है और इवेंचुअली भी इन्होंने वो नौबत ही नहीं आने दी कि दूसरी पार्ट मतलब पीटीआई के मुनीर फर <coughs> से करवाया जाए ताकि फिर वो डिस्क्वालीफाइड क्लोज हाँ तो ये हार्ड कार्ड थे मजेदार था तीसरा ये है।, है कि अब वो असल में जो है ना जाहिर है वो फिर पैक हो जाएगी न्यूज एक दूसरी न्यूज के साथ कर लेकिन कर लेते हैं वो भी तो करनी है।, है वो भी तो करनी है तो दूसरे एक जो है ना अब खान साहब ने आपको बताया कि कल से नाम लेना शुरू कर दिए डैडी टाइम स्टार्ट हो गया उनका तो जो है ना उसमें बड़ा जाहिर है हम तो टेवा ही लगा सकते हैं नहीं आपको पता भी बड़ा कुछ होता है टेवे, टेवे कुछ, के नाम पे बड़ा कुछ बोल जाता है ये। नहीं नहीं कुछ नहीं पता है तो ऐसे ही बैठ के अंदाजे घर बैठ के जो लग सकते हैं हम तो किसी को जानते ही नहीं तो वो जो है ना मुझे लगता है कि इनको भी कुछ बातें समझ आनी शुरू हुई है उनको भी वो शायद कहीं से मिला है उसकी वजह कि यहाँ पे मतलब एक शायर की बहुत ज्यादा बात होती है कोई उधर ही रेफर कर रहा होता है तो हो तो ये भी सकता है ना कि सबने सोचा हो कि यार मैं शायर बदनाम मैं चला मैं चला तो शायर तो बदनाम होता है उसने तो चले जाना होता है तो उसका नाम लगा के तो और लोग कुछ चाह रहे हों किसी और को भी चाह रहे हों के साथ ही चला जाए वो शायद इमरान खान को भी मतलब फिर वही बात है वो पता नहीं इमरान खान के सपोर्ट में है इमरान खान के थ्रू कुछ करवा रहे हैं <laughs> तो वो अब चीजें जो ना सामने आने जैसे जैसे जुड़े हैं तो सब वो कह रहे हैं चलो जी रियलाइनमेंट एंड <laughs> कर दिए <थी>, एंड <laughs> हाँ तो अब जो है उन्होंने हमें अभी पढ़ी थी वो कह रहे थे कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने ये बताया उन्होंने कहा मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया <laughs> <है। laughs> अच्छा ये जो है ना मैं ब्लॉक के खिलाफ हूँ उसकी वजह ये है कि ब्लॉक में ना जब अगला बंदा फोन करता है ना तो वो टू टू टू

के दौर में भी तो करप्शन का ही नारा लगा था ना हुँ, हुँ. तो वो तब से यही नारा है और वो चलता चला जा रहा है और आज तक किसी का टेन्योर पूरा नहीं हुआ और 2013 से पहले तक तो मतलब प्राइम मिनिस्टर तो, तो आज तक नहीं हुआ पचहत्तर सालों में किसी हुकूमत की भी टर्म पूरी नहीं हुई थी हाँ। वो पहली दफा था जो दो हजार आठ जो हुकूमत बनी हाँ। जो दो हजार तेरह में कम्पलीट हुई।, हुई अच्छा वो भी हुई क्यूं? उससे पहले मिया साहब और बेनजीर साहिबा का एक पैक्ट हुआ हाँ। जिस वो जिसको वो जमहूरियत अच्छा उसके बाद भी बड़ी गलतियाँ हुई मतलब शबाज शरीफ ने कहा कि मैं सड़क पर सीटूंगा जरदारी साहब ने पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया मिया साहब जो है वो मेमो गेट में काला कोट पहन के निकल गए गलतियाँ बड़ी लेकिन एक खास जगह

अजय तो मैं फिर बड़ी गाँव की ये थोड़ा सा एजेंडा शायद कोई उठा ले जैसे उस दिन वो जो ब्लड कैंसर वाली आपने बात की थी फिर हमने ये बात की थी कि वो अस्पताल को इनोगरेट नहीं करने दिया स्टोरी वसीम की थी फिर हमने जिक्र किया तो किसी ने कहा आप लोगों ने अचीव करा दिया है अस्पताल की तो देखिए इसी तरह हम ये एजेंडा भी पुश करेंगे कि अल्लाह जी किसी टर्म जरिए ना कंप्लीट होने हो लाइक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है अच्छा <coughs> मैं ये सरसरी सी खबर है गोल्फ टूर्नामेंट एक्सपेंसिव तरीन गोल्फ़ टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में होने लगा है और उसका जो प्राइस मनी है ना वो यू एस डॉलर फाइव हंड्रेड थाउजेंड है ठीक है और जो रिचेस्ट तरीन उसके वो अरेंजमेंट्स भी यहाँ पर होने हैं और एशिया के जो बेहतरीन जो गोल्फर्स हैं ना वो यहाँ पर आ रहे हैं इससे ज़्यादा मरी हुई गेम

अच्छा देखिए ये जो खबर है ना इसमें वो ये मेरे ख्याल में जियो की जंग की खबर है शायद तो इसका जो है ना कि रिचेस्ट एशियन टूर्नामेंट एवर <laughs> वो मुझे नहीं पता मुझे सही लगता नहीं वो बात मतलब एशिया काफ़ी वा हाँ। तो लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का ये रिचेस जरूर होगा शायद एशिया का पाँच लाख डॉलर प्राइज मनी है मेरे ख्याल में तो लेकिन एक चीज़ तो फायदा हुआ मतलब शुक्र है ये जो हमने पाकिस्तान के हर कैंट में चार गोल्फ कोर्स बनाए हुए हैं जिसमे हम इतना सारा पानी रोज लगाते हैं पहली बार ही कोई फायदा होने लगा जे <laughs> तो क्लैप <लो। laughs> और फिर पे जाते भी मखसूस है ना जिनकी मेंबरशिप होती है जो पांच पांच पता नहीं कितने कितने लाखों की उनकी मेंबरशिप होती है मेरे घर के सामने जो वो गोल्फ कोर्स है मैं कभी वो मुझे एंटर भी नहीं होने देते एक दफा गलती से गाड़ी गई थी मैंने कहा टेवल आके ना मैंने जान देना कहा मेम्बर्स के लिए सिर्फ है आप ही जो शादी अटेंड करें बट यू नॉट अलाउड चलो कोई इसका काम तो आएगा इसी से मैं आपको ये भी बता दूँ इसको मैं थोड़ा ऊपर कर वाटर राइट नाव सो पानी का जिया जो है ना वो हमारी एक टूटी वो तो बंद होने का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है तो अब जो है ना इस्लामाबाद में एक बहुत ही फैंसी किस्म का ये लगाने लगे हैं क्या नाम लेते हैं फाउंटेन ठीक है और

डोंट do do अच्छा it. ये बिजली वाला भी जो है ना बत्तियों वाला हाँ. वो भी ना करें उसमें भी बिजली और बत्ती जया होती है, नहीं, बड़ी फिर आप, फिर तो हाँ, है नहीं, आपने मोन्यूमेंट बनाना है ना हाँ. मैं आपको बताता हूँ आप <laughs> हाँ आप चौक के ऊपर एक स्कल्पचर एक टूटी है और एक बच्चा है जो टूटी खोल के उसमें से पानी पीना चाह रहा है और उसमें से सिर्फ एक बूंद निकली हुई है क्योंकि पानी नहीं है आपका वो आर्ट पीस का आर्ट पीस हो जाएगा चौक का चौक हो जाएगा और जब जो गाड़ी और पैदल आदमी उसके सामने से गुजरेगा उसको ये ख्याल आएगा कि मैंने पानी बचाना है That is a very मतलब वो बात की संगीनी को समझाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन की जाए लेकिन आपको पता है शिबाज शरीफ ना खूबसूरत बनाने के बोल चुकी ना वो तो अपर रो लग पाएगा तो के क्या होया नहीं उन्होंने खूबसूरत बनाने पाम ट्री <laughs> तो है ट्री है कर लो बेहतर जे कोजे होते ने ना बहुत ही कोजे यार पता नहीं क्यों लगाते हैं अच्छा नहीं ये वाली खबर बिहार से आई है हमारे पड़ोस से काफी सारे वहां से लोगों ने शेयर भी की थी वो ये है कि वहां के

मोहब्बत को आसान बनाने की जरूरत है मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि वरना लोगों को इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं अब उसका जितने भी लाख की आबादी होगी उस कस्बे की वो बेचारी घंटा घंटा दो दो घंटा लोड शेडिंग में बैठी रही क्योंकि एक डेट बजनी थी ठीक है यही अगर... के लिए करना पड़ता है नहीं।, नहीं लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको मिलने में आपस में मुआशरा जो है वो ना रोकता तो वो रोशनी में मिल लेते हैं किसी की भी लाइट ना जाती एक चीज दूसरी चीज ये कि मुझे ये भी शक है कि इन्होंने उसको लाइनमैन को सिर्फ एक लाइन मैन को नौकरी से निकलवा देंगे ये दूसरा हो सकता है उसको पुलिस भी ले गई हो हु। तीसरा हो तो सकता है इन्होंने उसकी ठुकाई भी की हो और हम आपको पता है ठीक है।, है।, है और फिर तीसरे इसमें पता है सब में गुंजाइश निकालने की जरूरत है इतनी ज्यादा मैंने फिल्में देखी हैं जिसमें हीरोइन जो है ना वो जहाज चढ़ चुकी होती है हीरो बाद में एंटर होता है एयरपोर्ट पे भागता भागता आके कहता है कि मैंने जहाज के अंदर जाना है हाँ। उसको सारे कहते हैं इंतजामिया की पागल तो नहीं अंदर नहीं जा सकते तो कहते हैं आप समझ नहीं सकते कि मेरा अंदर जाना कितना जरूरी है उसी वक्त जो है ना एक जो अमले की खातून होती है उसको पूछती है क्या प्यार का मामला है? <laughs> तो थोड़ा सा वो यूं करके हो जाता है तो इनको अंदर जाने दे। तो ये जो प्यार वाले मामला होते हैं ना इसमें आपने फिर गुंजाइश निकालनी होती है होगा oh, नहीं वैसे ये मैं इसके साथ हूँ आपको जिसकी भी बिजली जहां से भी काट के अगर मिलना है तो प्लीज मिले श्योर आगे कुछ नहीं है कुछ भी करने को जिंदगी में बेचारे वो मिले भी ना आपस में क्या बातें कर रहे हो तुम अच्छा सियालकोट में जलसा था आज और उधर काफी कुट्टा स्टार्ट हो गई थी बिकॉज दैट प्लेस बिलोंग टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी कल था पता नहीं वो अभी उठा के लेके गए हैं उसमान डाल को खैर अच्छा, हाँ तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्रिश्चियन कम्युनिटी का उस पर एतराज था कि हम नहीं चाहते कि हमारी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाए जिसकी वजह से मुकायदे मोहतरा हमजा शबाज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने यह कहा कि आप नहीं कर सकते वहां पर पुलिस ठीक है और काफी वहां पर उसी में को उठा के वहां से वो ले गए हैं तो हमजा शेबाज ना अभी ये कह रहे थे कि देखिए मैं आपको दूसरी जगह देने के लिए तैयार हूँ आप ना एक ही जगह के ऊपर जो है वो लड़ाई डालें तो मतलब अगर वो बाहर नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो जाएगा अगर ठीक है मसीह बिरादरी को नहीं अच्छा लग रहा तो आप जरूर उनको करके अपना शो करना चाह रहे हैं वो मेरे ख्याल में वो चर्च का ग्राउंड था जिसपे कर रहे थे तो फिर वही बात मैं नहीं जानता लेकिन अखबार में कम से कम ये लिखा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने उनको अल्टरनेट जगह दी, दी थी तो फिर उनको उधर कर लेना चाहिए था तीसरी यहाँ पे आज ना वो लोग अक्सर कहते हैं कि यार क्या पीटीआई में कोई भी अच्छी बात नहीं है नहीं नहीं है <laughs> कई अच्छी है हमने अक्सर की हैं हमने उनको ये जो फार्मर्स के लिए जो उनका था खास तौर पे केन उगाने वालों के लिए कि सीपीआर देना शुरू कर दिया और शुरू कर दिया पूरे पैसे दिन तो अच्छी चीजें हैं आज भी मैं एक तारीफ करना चाहूंगा okay. वो ये है कि ये इनका कल जो धरना ये था एहतजाज वट एवर और या फिर आज वाला जो जलसा था वन ऑफ द टू इनमें से एक में इन्होंने साहिर अली बग से परफॉर्मेंस भी करवा रहे हैं और टिकटॉकर्स को भी बुलाया हुआ है ये एक बहुत अच्छी बात है हाँ नहीं जरूर कराते रहना दिहाड़ी लगनी चाहिए किसी एक, ना किसी की बिल्कुल दिहाड़ी लगती लगनी चाहिए देखिए ना मसला ये है कि आज अगर आपका शो नहीं है आपने टिकटेड इवेंट कराना है एक कॉन्सर्ट करवाना है आप एनओसी लेने चले जो आपको एक्साइज और पुलिस ही मार देगी ठीक है वो आपका होने ही नहीं देंगे तो फिर आर्टिस्ट क्या करे यही जगह है कि जहां पे आर्टिस्ट को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो लोगों को भी मजा आएगा आर्टिस्ट का भी काम बन जाएगा किचन चल जाएगा आपकी भी शायद जो आप क्राउड पुल करना चाह रहे हो उसमें इजाफा हो जाए यहाँ पर वही बात है अक्सर होता है ना कि जलसे से शुरू होने होते हैं सात बजे शुरू होते हैं ग्यारह बजे हाँ। तो लोग बाय द टाइम आला की आदत आती है लोग जाना शुरू हो जाते हैं तो तब तक उनको एंटरटेन करने के लिए कुछ होना चाहिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बाकी सब पार्टियों को भी चाहिए कि वो इसमें इस तरह की चीज़ें शुरू करें हमारे वो मैं उस पर जिक्र करता कि हमारे एक दोस्त हैं शिवम वेज इंडिया के वो उन्होंने एक बाकायदा किताब लिखी है सर्वे कर करके कि वो मुशायरों के बाद कॉन्सर्ट्स के बाद जलसों के बाद हर तरह के पब्लिक गैदरिंग इवेंट्स के बाद वो अगले दिन जो लोग अटेंडीज थे उनसे मिले और उनको जा जा कर पूछा कि कल आपको कौन सा शेर ज़्यादा पसंद आया कल आपको कौन सा गाना ज़्यादा पसंद आया कल आपको कौन सी लीडर की बात ज़्यादा पसंद किसी को कुछ याद नहीं था सिर्फ उनको इतना याद था कल मजा आया या कल मजा नहीं आया तो आपने अपने अगर जलसे या जो भी आप करना चाह रहे हो उनको अगर आपने आप चाहते हो कि उनका इम्पेक्ट ऐसा हो कि लोग कहें कि जी, मजा आया तो फिर ये सारी चीजें आर्ट को आप इनकॉर्पोरेट करें और इसी तरह इस से शायद फिर हमें वो भी हो जाएगा कि जो हर वक्त गाली पड़ती रहती है ना कि कंजर तो फलाना तो टमकाना वैसे तो कंजर गाली नहीं है ये पता नहीं क्यों समझ आती हाँ लेकिन वो ये खत्म हो जाएगा जब

अगर वो पी के खिलाफ है उस आर्टिस्ट से उनको प्रॉब्लम होने लग जाता है अगर ये हमारे लिए गाएगा तो उनको इस आर्टिस्ट से मसला होने लग जाएगा तो 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 ये तो थोड़ा सा इशू है। हाँ, तो लेकिन राहत खान। और हर पार्टी को तो हाँ, तो इसलिए पॉलिटिशन को भी चाहिए हाँ, जो आर्टिस्ट को अगर देखें वो दूसरे कैंप में परफॉर्म रहा है तो बजाय मुतरफर होने के बजाय कि ये कहने के एनू आज तो बात बुलाना नहीं उसको कहें दोस्त कल तू हमारे कॉन्सर्ट में आ जा ठीक है इससे अगली खबर में जाने से पहले हम मेरे ख्याल में कट लगा ले है। उसकी वजह यह कि तीस मिनट होने को है कैमरे ने कट जाना है ये अब हम पार्ट टू चला देंगे इसी एपिसोड का कैसा आइडिया